नमस्कार क्यूज़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। हम हमारी जो ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजस्थान का एक नया सा टॉपिक जिससे सर्वाधिक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं वो है ऊर्जा। तो आज हम राजस्थान में ऊर्जा संसाधनों के बारे में जानेंगे। ऊर्जा संसाधन के प्रकार कौन से होते हैं, संभाव्यता के आधार पर तो उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। कौन से ऊर्जा संसाधन किस क्षेत्र में ठीक है स्थित हैं और कहां पर से कितनी बिजली उत्पन्न की जाती है, इन सभी का हम आज की क्लास के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऊर्जा के। तो ऊर्जा होती क्या है? जैसे हमारा शरीर है और हमारे शरीर के अंदर क्या डालते हैं हम, भोजन पानी, तो क्या बन जाती है ऊर्जा। तो फिर उससे हमें क्या काम मिल जाता, क्या काम, क्या कार्य को करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। कार्य को करने की क्या हो जाती है, शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये किसकी वजह से हुआ, ऊर्जा की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से हुआ, ऊर्जा की वजह से। तो आज हम यही ऊर्जा को पढ़ने वाले हैं कि ऊर्जा परंपरागत आधार पर कौन कौन से संसाधन है, अपरंपरागत आधार पर। इसके बाद में देखेंगे हम कौन से हमारे नवीकरणीय योग्य संसाधन है और कौन से अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे राजस्थान में कितनी थी, ठीक है, और वर्तमान में कितनी है इसको जानते हैं पहले। तो ऊर्जा जैसे जान लिया, किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, वैसे ही ऊर्जा है ये हमें विद्युत उत्पन्न करती है जिसकी वजह से हमारे कूलर, पंखे, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह चलते हैं। तो और आजकल इलेक्ट्रिसिटी का इतना जमाना हो गया कि अब इलेक्ट्रिसिटी वाहन भी आने लग गए हैं। तो अब बात करें राजस्थान में स्वतंत्रता के समय, यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस वक्त राजस्थान में कितनी मेगावाट क्षमता थी, तो 13.2 मेगावाट क्षमता थी। यानी राजस्थान की उस समय जो विद्युत उत्पादन करने की क्षमता थी वो कितनी थी, 13.2 मेगावाट। और वर्तमान में कुल स्थापित क्षमता है हमारी 23,321.40 मेगावाट। ये आंकड़े हैं 31 दिसंबर 2022 के अनुसार, ठीक है। तो वर्तमान में कुल स्थापित क्षमता कितनी है हमारी, 23,321.40 मेगावाट। स्वतंत्रता के समय 13.2 मेगावाट क्षमता थी। आगे औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो हमारे औद्योगिक डेवलप हुए हैं, औद्योगिक डेवलपमेंट हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उद्योग, ये बिजली। क्योंकि बिजली की वजह से किसी भी क्षेत्र में आप उद्योग धंधों को आसानी से स्थापित कर सकते हो। उन्हें चलाने के लिए, उन मशीनों को चलाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो क्या है, वो बिजली है। तो औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा, राजस्थान में तापीय ऊर्जा सर्वाधिक योगदान देती है। राजस्थान के अंदर अगर पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर किस ऊर्जा का सर्वाधिक योगदान है, तो कौन सी ऊर्जा का योगदान है, तो वो तापीय ऊर्जा का योगदान है। किसका, तापीय ऊर्जा का योगदान है। थर्मल पावर जो ऊर्जा है उसका सर्वाधिक योगदान है। स्वतंत्रता के समय 13.2 मेगावाट क्षमता थी, वर्तमान में 23,321.40 मेगावाट क्षमता है। इसके बाद में सबसे अधिक राजस्थान में कौन सी विद्युत उत्पादन की जाती है, तापीय ऊर्जा, या तापीय ऊर्जा का योगदान सबसे अधिक है। आगे औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसे आप नोट कर सकते हो। कैसे, स्वतंत्रता के समय 13.2 मेगावाट, वर्तमान में 23,321.40 मेगावाट, औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, और राजस्थान में फर्स्ट स्थान रखती है कौन सी, तापीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। तो यह याद रखना, राजस्थान में पहला स्थान कौन रखती है, तो कौन रखती है, तापीय ऊर्जा। अब बात करते हैं ऊर्जा संसाधनों के प्रकार के बारे में। किसके बारे में, ऊर्जा संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ऊर्जा संसाधनों के प्रकार उत्पादन के आधार पर, यानी कि उनके उत्पादन के आधार पर कितने हैं, पहला उत्पादन के आधार पर, दूसरा संभावना के आधार पर, यानी उनकी संभावना कितनी इस प्रकृति के अंदर देखने को मिलती है। तो पहला उत्पादन के आधार पर भी हम इसे दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। कौन से, परंपरागत, यानी कि वह संसाधन जो पुराने समय से या लंबे समय से चलते आ रहे हैं उन्हें हम परंपरागत संसाधन के नाम से जानते हैं। आगे गैर परंपरागत संसाधन,
यानी इनके अंदर कौन कौन से हैं जो अभी नई टेक्नोलॉजी ने आकर के उपयोग किया है, वो कौन से हैं? गैर परंपरागत संसाधन, फिर संभावना के आधार पर नवीकरणीय योग्य संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग एक बार कर लिया गया तो इनको पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और अगर किया भी जा सकता है तो लाखों करोड़ों वर्ष के बाद में उत्पन्न किया जा सकता है। तो इनको नवीकरण नहीं किया जा सकता। नवीकरणीय में वे संसाधन जिनको हम पुनः निर्मित कर सकते हैं या पुनः इनका उपयोग कर सकते हैं, उनको किस नाम से जानते हैं? नवीकरणीय के नाम से। तो सबसे पहले हम परंपरागतों के बारे में जान लेते हैं। कोयला हमारे यहाँ पर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का स्रोत है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, हाइड्रो और जलीय, ये जो दे रखे हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है और नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें क्या याद रखना है, कोयला परंपरागत संसाधन है, प्राकृतिक गैस परंपरागत संसाधन है, पेट्रोलियम परंपरागत संसाधन है, और हाइड्रो और जलीय परंपरागत जल संसाधन है। तो परंपरागत वाले कितने हो गए? चार, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, हाइड्रो या जलीय ऊर्जा, ये तो किसके हो गए? परंपरागत वाले। अब बात करते हैं गैर परंपरागत की। किसकी? गैर परंपरागत की। तो गैर परंपरागत में परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय गैस। परमाणु ऊर्जा का राजस्थान के अंदर एक ही संयंत्र है रावतभाटा में, तो रावतभाटा को हम अणु नगरी के नाम से भी जानते हैं। रावतभाटा चित्तौड़ के अंदर स्थित है। इसे राणा प्रताप सागर जो बांध है उससे जलापूर्ति की जाती है। किसको? हमारी इस अणु नगरी को या परमाणु संयंत्र को। एक और है भारत के अंदर, नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो दो परमाणु संयंत्र हैं हमारे राजस्थान का, कौन सा है? रावतभाटा चित्तौड़ वाला। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा की। तो सौर ऊर्जा से बात, जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसको सोलर पैनल के माध्यम से क्या करते हैं, उसे जो करंट होता है उसे डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सौर ऊर्जा के संसाधनों की राजस्थान में बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि यहाँ पर 325 दिन आसमान खुला हुआ देखा जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर टेम्परेचर मरुस्थल होने की वजह से क्या रहता है? अधिक रहता है। चौथा, जो हमारे पश्चिमी क्षेत्र है वो एक लंबे भूभाग पर विस्तृत है, तो कह सकते हैं सौर ऊर्जा की संभावना भी हमारे यहाँ पर अधिक है। थर्ड है पवन ऊर्जा। ये कौन से हैं जो टेक्नोलॉजी ने अभी आकर वर्तमान में प्रयोग करना प्रारंभ किया है? परंपरागत में पहले परमाणु पढ़ लिया, सौर ऊर्जा, तीसरा पवन ऊर्जा। पवन चक्कियों के माध्यम से टर्बाइनों को घुमाया जाता है और फिर उससे बिजली उत्पन्न की जाती है। तो पवन ऊर्जा के भी हमारे यहाँ पर अच्छा चांस है या अच्छे संभावना है। किसकी? पवन ऊर्जा की। बायोगैस और ज्वारीय ऊर्जा। बायोगैस कौन सी? जो वाली जो हमारी गाय वगैरह के गोबर से जो बनाई जाती है उसे बायोगैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसमें मीथेन और इनका सम्मिश्रण देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उनसे गैस उत्पन्न की जाती है, जिससे आप अपने घर के चूल्हे वगैरह या विद्युत उत्पादन भी कर सकते हो। ज्वारीय ऊर्जा, ये समुद्र है और समुद्र में लंबी लंबी टर्बाइन लगा दिए जाते हैं, ठीक है। और टर्बाइन लगाने के बाद में क्या किया जाता है, इधर से जब पानी आएगा तो ये गोल गोल राउंड अप करते हैं। तो इसके साथ घूमने के साथ ही ये क्या करते हैं, ये घूमेंगे और विद्युत का उत्पादन करेंगे। तो ये कौन सी हो गई? ज्वारीय गैस। क्वेश्चन, राजस्थान निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत संसाधन है? तो परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और एक दे देगा उधर से कोयला, और फिर ऑप्शन में ABCD, ABC, ACD या ABC और लास्ट में ABCD, चारों। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ABC, जिसके अंदर होंगे वो सही आंसर होगा। तो गैर परंपरागत में कौन से हैं, यानी कि जिनका परंपरा से प्रयोग या पहले से प्रयोग नहीं किया जा रहा, जिनका प्रयोग वर्तमान में किया जा रहा है, ठीक है, कौन से? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और ज्वारीय गैस। अब बात करते हैं, ये तो हो गए उत्पादन के आधार पर कौन से, परंपरागत और अपरंपरागत, ठीक है। परंपरागत में कौन से? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, हाइड्रो या जलीय ऊर्जा। गैर परंपरागत की बात करते हैं तो परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और ज्वारीय गैस देखने को मिलती है। अब बात करते हैं संभावना के आधार पर। संभावना के आधार पर भी हम इसे दो में बांट देते हैं, अनवीकरणीय और नवीकरणीय, यानी जिनका पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता अनवीकरणीय, जिनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है नवीकरणीय। तो इसमें
निम्न में से नवीकरणीय कौन सा है या अनवीकरणीय कौन सा है, ये पूछ सकता है। तो याद रखना, अनवीकरणीय में कौन कौन से आते हैं, कोयला, एक बार खत्म हो गया वापस पुनः हम इसका उपयोग या बनाने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है। और ये वो कोयला नहीं जो लकड़ियां जला करके बनाया जाता है, ये कोयला जो लाखों करोड़ों वर्ष से जो लकड़ियां जमीन के अंदर दब जाती हैं उनसे जो कोयले का निर्माण होता है वो वाला कोयला है, ठीक है। आगे आगे बात करते हैं हम प्राकृतिक गैस, जो जमीन के अंदर प्राकृतिक गैस है अगर एक बार खत्म हो जाती है तो पुनः इसको बनाया नहीं जा सकता। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के भंडार हैं, उनकी निश्चित मात्रा है। आगे परमाणु ऊर्जा, यानी जो परमाणु हैं वो भी निश्चित हैं। तो कैसे याद रखना है, अनवीकरणीय में, जिनको हम वापस नहीं बना सकते, कोयला नहीं बना सकते, प्राकृतिक गैस नहीं बना सकते, पेट्रोलियम नहीं बना सकते, परमाणु ऊर्जा नहीं बना सकते। अब बात करते हैं नवीकरणीय की, नवीकरणीय में कौन कौन से आते हैं, यानी कि वे ऊर्जा संसाधन जिनको हम पुनः बना सकते हैं, जैसे हाइड्रो, एक सेकंड, किसकी बात करते हैं हम, हाइड्रो की, किसकी, हाइड्रो यानी जो जलीय ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा है, समुद्र की लहरें गई वापस भी आ जाएंगी, तो समुद्र के अंदर क्या है, ये लहरों का क्रम निरंतर चलता रहता है और समुद्र में ये निरंतर लगी रहती हैं, तो इसको हम बनामा पुनः बना सकते हैं। सौर ऊर्जा, आज सूर्यास्त हुआ तो कल उदय भी होगा। पवन ऊर्जा, आज हवाएं चली तो कल भी चलेंगी। बायोगैस, इसका उत्पादन हम कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर जानवर पालते हैं, ठीक है। बायोमास, जो हमारे जैतून और जो चावल की भूसी वगैरह है उससे जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे बायोमास कहा जाता है। ज्वारीय ऊर्जा हमने बात ही कर ली, कौन सी, जो ज्वार तरंगों के माध्यम से बनाई जाती है। तो ये कौन से हो गए ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण, किसके आधार पर कर लिया, उत्पादन के आधार पर, परंपरागत, गैर परंपरागत, संभावना के आधार पर, अनवीकरणीय और नवीकरणीय, ठीक है। तो ये चार्ट अच्छे से बना लेना जिससे क्या है आसानी से याद हो जाए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया, ठीक है। तो ये किसके आधार पर, ये जो संसाधनों का था वर्गीकरण उसको हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम ऊर्जा स्टेशनों के प्रकार के, ऊर्जा स्टेशनों के तीन प्रकार देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, तो पहला सुपर थर्मल, सुपर क्रिटिकल और UMPP, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। सबसे बात पहले बात करते हैं हम सुपर थर्मल पावर की। सुपर थर्मल पावर स्टेशन हैं वो कैसे होते हैं, तो इनके अंदर जो विद्युत उत्पादन की क्षमता होती है उनकी कितनी होती है, 1000 मेगावाट, यानी वे ऊर्जा स्टेशन जो 1000 मेगावाट की क्षमता वाले रखते हैं उनको हम सुपर थर्मल पावर स्टेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सुपर थर्मल पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, कि इसके अंदर आते कौन कौन से हैं, तो इसमें है सूरतगढ़, श्रीगंगानगर का सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर, सेकंड कोटा का सुपर थर्मल पावर स्टेशन, थर्ड है कबाई जो कि 12 के अंदर है उसका थर्मल पावर है। तो इन तीनों की क्षमता कितनी है, 1000 मेगावाट। वापस सुपर थर्मल पावर की क्षमता कितनी है, 1000 मेगावाट। तीन देखने को मिलते हैं, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर वाला, कोटा सुपर थर्मल पावर और थर्ड है कवाई सुपर थर्मल पावर। कवाई कहाँ है, 12 में। तो सुपर थर्मल पावर कितने हो गए, 3। अब बात करते हैं सुपर क्रिटिकल की, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है, तो इसकी क्षमता सुपर थर्मल से कम होती है, कितनी होती है, 500 मेगावाट, इसकी थी 1000, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, तो छबड़ा सुपर थर्मल पावर, सॉरी छबड़ा सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन, इसके अंदर कौन सा आता है, जो छबड़ा का सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन है वो इसके अंदर आता है। आगे बात करते हैं हम UMPP की, किसकी, UMPP की, यानी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, यानी कि जो 4000 मेगावाट की क्षमता रखते हैं वो किस में आते हैं, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। तो ऊर्जा स्टेशनों के प्रकार कितने हो गए, 3। सुपर थर्मल पावर कहाँ पर, सूरतगढ़, कोटा और कबाई सुपर थर्मल पावर स्टेशन। सुपर क्रिटिकल जिनकी 500 मेगावाट क्षमता है छबड़ा के अंदर देखने को मिलता है। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जिनकी 4000 मेगावाट क्षमता होती है उन्हें अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। आगे
आगे है जलीय ऊर्जा। ये तो हो गए हमारे ऊर्जा स्टेशनों के प्रकार, उनकी संभावना के आधार पर देख लिया हमने, यानी कि इन सबको हमने अच्छे से देख लिया। अब देख लेते हैं हम, एक सेकंड, अब देख लेते हैं हम क्या जलीय ऊर्जा, कि जलीय ऊर्जा कौन सी हमारे राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है। तो सिर्फ हम जलीय ऊर्जा में हम हमारे राज्य की को देखेंगे, फिर उसके बाद में राज्य राज्य की कौन सी है उनका भी अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं राज्य राजस्थान राज्य की परियोजनाएं जो राजस्थान राज्य ने खुद ने अपने स्तर से लगाई हैं उन परियोजना में। तो सबसे पहली परियोजना है जाखम लघु विद्युत परियोजना। जाखम कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। लघु विद्युत परियोजना कहां पर है? प्रतापगढ़ में। इसकी क्षमता है 5.4 मेगावाट। तो जाखम लघु विद्युत परियोजना पूछी जा सकती है तो कहां पर है? प्रतापगढ़ में। क्षमता 5.4 मेगावाट। सेकंड है अनास जल विद्युत परियोजना। अनास से एक और याद, ठीक है, तो ये कहां पर है? अनास बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। इसकी क्षमता 140 मेगावाट। राजस्थान की जो जलीय परियोजनाएं, सॉरी जलीय विद्युत परियोजनाएं, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली जाखम लघु विद्युत परियोजना प्रतापगढ़ के अंदर है 5.4 मेगावाट। अनास जल विद्युत परियोजना बांसवाड़ा में 140 मेगावाट। आगे इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना, इसकी है 23.85 मेगावाट क्षमता है। पहली जाखम प्रतापगढ़ में, सेकंड अनास बांसवाड़ा में, थर्ड है हमारी कौन सी? तो इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना। तो ये राजस्थान राज्य की स्वयं की परियोजना है। और अब ऐसी परियोजनाएं जो अन्य राज्यों के साथ मिलकर के राजस्थान ने बनाई हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो है ब्यास परियोजना जो पंजाब हरियाणा राजस्थान तीनों की संयुक्त परियोजना है, चंबल परियोजना जो राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान एमपी की संयुक्त परियोजना है, माही परियोजना राजस्थान एमपी और गुजरात। ठीक है, ये इस पर नल जो विद्युत परियोजना है वो सिर्फ दो की देखने को मिलती है, कौन सी? राजस्थान और गुजरात की। किसकी? जबकि ये नदी परियोजना दोनों की है, तीनों की है गुजरात। तो माई परियोजना कितनी की है? राजस्थान और गुजरात की। इससे याद रखना कि इससे जितनी भी मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है, जो दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी क्षेत्र है उसमें ये पूरे राजस्थान के अंदर सप्लाई की जाती है, यानी दक्षिणी राजस्थान में। ये इसकी सप्लाई गुजरात के अंदर नहीं की जाती, सिर्फ राजस्थान के अंदर आती है। भांकड़ा नांगल विद्युत परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। वापस ब्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा और पंजाब की संयुक्त परियोजना है, चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, माही परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसकी संपूर्ण बिजली दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी जनजाति को प्रदान की जाती है। भांकड़ा नांगल विद्युत परियोजना राजस्थान पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। ये क्या है? जलीय परियोजना। ये राज्य प्लस राज्य की परियोजना है, यानी हमारे राजस्थान ने अन्य राज्यों के साथ में जो परियोजना का निर्माण किया है विद्युत परियोजनाओं का वो है। ठीक है, तो ये हो गई राज्य राज्य की। अभी हमने पढ़ी थी सिर्फ राजस्थान की, तो जाखम अनास और इंदिरा गांधी तीन परियोजना उसमें देखने को मिली थी, और चार इसमें राज्य राज्य की परियोजनाओं में। हमने केंद्र की नहीं ली, कि केंद्र की से हमें सिर्फ राजस्थान से और राज्य राज्य की कौन सी परियोजना से विद्युत सप्लाई की जाती है, क्योंकि केंद्र की परियोजना से हमारे यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं की जाती। अब बात करते हैं कोयला या लिग्नाइट पर आधारित परियोजनाएं। जो कोयला है और जो लिग्नाइट है उस पर आधारित परियोजनाएं कौन सी हैं? और अच्छा, महत्वपूर्ण है ये पेज आपके लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा उठाया जाता है। या तो वो स्थान दे देगा सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर कहाँ है? श्री गंगानगर में। या फिर पूछ लेगा बरसिंह सर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? बीकानेर में। या फिर पूछ सकता है इनकी क्षमता कितनी है, लेकिन क्षमता बहुत ही कम रेयर कंडीशन में पूछी जाती है, जब आप बड़े एग्जाम देते हो तभी ये पूछी जाएगी, पर हमें दोनों लेके चलने हैं। तो कोयला और लिग्नाइट पर आधारित याद रखना है, सबसे जो अधिक बार पूछे जाते हैं वो है बाड़मेर वाले, ठीक है, एक गिरल भादेसर और कपूरडी जालीपा। इन तीनों क्षेत्रों को विशेष याद रखना, गिरल भादेसर कपूरडी जालीपा तीनों कहाँ के हैं? बाड़मेर के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? बाड़मेर के हैं। गिरल से 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है, भादेसर से 1080 मेगावाट,
कपूरडी जालीपा से 1080 मेगावाट क्या की जाती है, विद्युत उत्पादन की जाती है। वापिस सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर श्रीगंगानगर के अंदर स्थित है। बाद में इसकी क्षमता कितनी है, 2820, पहले थी 1500 लेकिन 1320 और यूनिट्स लगा दी, इसकी वजह से वर्तमान में क्षमता इसकी 2820 मेगावाट। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर श्रीगंगानगर के अंदर देखने को मिलता है। बरसिंहसर थर्मल पावर 250 मेगावाट है और कहां पर है, बीकानेर के अंदर देखने को मिलता है। बाड़मेर में तीन देखने को मिलते हैं, गिरल थर्मल पावर स्टेशन, सेकंड भादेसर सुपर थर्मल पावर स्टेशन और कपूरडी जालीपा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। इसमें से याद रखना जो भादेसर और कपूरडी जालीपा हैं दोनों 1080 मेगावाट का विद्युत उत्पादन करती हैं, जबकि जो गिरल है हमारी वो 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है। अब बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की, ये तो किधर हो गई, बरसिंहसर बीकानेर, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर, भादेसर कपूरडी जालीपा और गिरल तीनों बाड़मेर की, ठीक है। जिसमें से भादेसर और जो हमारी कपूरडी जालीपा 1080 मेगावाट है और जो हमारी कौन सी है गिरल वाली वो 250 मेगावाट उत्पन्न करती है और जो हमारी गंगानगर वाली है वो 2820 मेगावाट उत्पन्न करती है। अब पूर्वी एक तो यहाँ पे और याद रखना दानपुर बांसवाड़ा में, कहाँ पर दानपुर बांसवाड़ा में, तो दानपुर बांसवाड़ा में दानपुर सुपर थर्मल पावर है जो कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। कौन सा, दानपुर सुपर थर्मल पावर, इसकी मेगावाट की क्षमता कितनी है, 1320 मेगावाट। बात करते हैं झालावाड़ में है काली सिंध सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन, झालावाड़ में कौन सा है, काली सिंध सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन, इसकी क्षमता है 1200 मेगावाट की, कितनी है 1200 मेगावाट की क्षमता किसकी है, काली सिंध सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की, ठीक है। आगे हम बात करें कोटा में, तो कोटा में देखने को मिलती है कोटा सुपर थर्मल, कौन सी, कोटा सुपर थर्मल 1240 मेगावाट। 12 के अंदर दो देखने को मिलती है, एक तो छबड़ा में और एक कबाई में, छबड़ा सुपर क्रिटिकल 2320 मेगावाट, कवाई 1320 मेगावाट, छबड़ा कवाई दोनों 12 के अंदर, कोटा के अंदर है। उसके बाद में काली सिंध झालावाड़ के अंदर है, दानपुर बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, गिरल भादेसर और कपूरडी जालीपा तीनों बाड़मेर में है, बरसिंहसर बीकानेर में है, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर श्रीगंगानगर के अंदर स्थित है, उसकी 2820 है, गिरल की 250 है और जो भादेसर और कपूरडी जालीपा है उनकी है हमारी कितनी सी, 1080 मेगावाट क्षमता है। बात करते हैं दानपुर बांसवाड़ा की, 1320 है, काली सिंध की 1200 है और ऊपर जैसे ही हम ऊपर जाते हैं छबड़ा में, तो छबड़ा की हमें देखने को मिलती है 2320 मेगावाट और कोटा और उसमें है कवाई की है 1320 और उसकी है 1240, कोटा वाले की 1240 और 1320 किसकी है, कवाई की। तो ये विद्युत मेगा उत्पादन क्षमता थी किसके आधार पर, कोयला या लिग्नाइट के आधार पर जो परियोजना बनी हुई है वो है, ठीक है। एक बार पुनः सूरतगढ़ गंगानगर में, बरसिंहसर बीकानेर में, गिरल भादेसर कपूरडी जालीपा तीनों बाड़मेर में, दानपुर बांसवाड़ा में, काली सिंध झालावाड़ में, कोटा के अंदर, छबड़ा कवाई कहाँ पर है, 12 के अंदर। आगे है हमारा सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, यानी कि सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन की कुछ बातें, कौन से, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन राज्य का प्रथम सुपर थर्मल प्लांट है, जो राज्य का सुपर थर्मल पावर प्लांट है आप लिख सकते हो पीछे थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है, इसकी क्षमता कितनी है 2820 मेगावाट की, कितनी है 2820 मेगावाट की। बात करते हैं कोटा का, याद रखना प्रथम सुपर थर्मल पावर पूछता है तो कौन सा है, सूरतगढ़, लेकिन कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन पहला कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। राजस्थान में पहला कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो वो कौन सा है हमारा, कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, जबकि राज्य का सुपर थर्मल पावर प्लांट पूछा जाता है तो सूरतगढ़ गंगानगर का। ये 1983 में बनाया गया था और सेकंड सुपर थर्मल पावर प्लांट है, पहला तो कौन सा है सूरतगढ़ वाला और सेकंड कौन सा है कोटा वाला। इसकी क्षमता कितनी है 1240 मेगावाट की, कितनी क्षमता है 1240 मेगावाट की किसकी,
तो ये है हमारे कोटा के अंदर। वापस राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर सूरतगढ़ गंगानगर, कोयला आधारित प्रथम सुपर थर्मल पावर कोटा। राज्य का सेकंड सुपर थर्मल पावर तो वो कौन सा है हमारा, तो वो है कोटा वाला, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थर्मल पावर प्लांट थे। आगे ये तो क्या हो गया हमारे, जो कोयला से और एक जलीय, दो ऊर्जाएं हमारी समाप्त। कौन सी, कोयला और जलीय वाली। जलीय में हमने क्या देखा था, जलीय में देखा था जाखम, अनास और इंदिरा गांधी विद्युत परियोजना, तीनों। जाखम गांधी प्रतापगढ़ में और ये अनास बांसवाड़ा में, ठीक है, और इंदिरा गांधी परियोजना। इसके बाद में ये तो हो गई किसकी, राज्य की। अब केंद्र राज्य राज्य की पढ़ी थी तो हमने पढ़ी थी माई परियोजना राजस्थान गुजरात की, संयुक्त संपूर्ण बिजली को राज्य दक्षिण राजस्थान के आदिवासियों में वितरित कर दिया जाता है। उसके बाद में ब्यास परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान की, ठीक है। उसके बाद में पढ़ी थी हमने चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की, चंबल परियोजना। यूपी का भी पार्ट आता है लेकिन हमारे राजस्थान में सिर्फ जो बांध है ये गांधी सागर, मध्य प्रदेश का राणा प्रताप सागर और हमारा कौन सा, जवाहर सागर, ठीक है। तो इनसे उत्पन्न बिजली को मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या कर देते हैं, 50-50% हिस्सा कर लेते हैं। तो ये क्या हो गई थी हमारी, जलीय ऊर्जा। उसके बाद में पढ़ा था हमने लिग्नाइट या कोयला आधारित प्राकृतिक परियोजनाएं, तो उसमें पढ़ा था पहले गंगानगर में सूरतगढ़, उसके बाद में बाड़मेर में देखे थे तीन, भादेश्वर गिरल और कपूरडी जालीपा, और बीकानेर में देखा था बरसिंह सर, बांसवाड़ा में देखा था दानपुर, हमने छबड़ा के अंदर देखा थे, सॉरी झालावाड़ के अंदर देखे थे कौन सा, तो खाली सिंध सुपर थर्मल पावर स्टेशन, कोटा में कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। उसके बाद 12 में दो थे कवाई और छबड़ा, कौन सा, कवाई और छबड़ा, छबड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। बात करें राजस्थान का पहला कौन सा था, सूरतगढ़ वाला, कौन सा था, सूरतगढ़। और बात करें कोयला आधारित तो पहला कौन सा था, कोटा, कोटा सुपर थर्मल पावर पहला कोटा किस पर आधारित था, कोयला पर। और सेकंड सुपर थर्मल पावर था पहला कौन सा था, सूरतगढ़ गंगानगर। तो ये हमने दोनों की बात की थी, कोयला लिग्नाइट पर आधारित जो परियोजनाएं थी और जलीय राज्य की और केंद्र राज्य राज्य की। अब आगे चलते हैं हम, अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस के हमें कहां कहां भंडार देखने को मिलते हैं, तो सबसे राज्य का, राज्य सरकार के द्वारा जो प्रथम प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित किया गया था वो कहाँ किया गया था, रामगढ़। और रामगढ़ कहाँ है, जैसलमेर में, याद रखना रामगढ़, रामगढ़ 12 के अंदर भी है, ठीक है, कहाँ पर है, रामगढ़ 12 के अंदर भी है, जहाँ भंडदेवरा के मंदिर देखने को मिलते हैं, जिन्हें हाड़ौती का खजुराह कहा जाता है या राजस्थान का मिनी खजुराह के नाम से जाना जाता है। एक और रामगढ़ देखने को मिलता है बूंदी में, जो क्या है, बूंदी में रामगढ़ बिजदारी रामगढ़, ठीक है। तो दूसरा कहाँ मिलता है, रामगढ़ बूंदी में, ये रामगढ़ बिजदारी अभ्यारण है और ये हमारे राजस्थान की चौथी टाइगर बाघ परियोजना है और हमारे भारत की 52वीं बाघ परियोजना है, कौन से, रामगढ़ बिजदारी बूंदी वाली। और 12 वाला यहाँ पर भंडदेवरा के मंदिर देखने को मिलते हैं, जिन राजस्थान का मिनी खजुराव और हाड़ौती के खजुराव के नाम से जानते हैं। और तीसरा रामगढ़ कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। 12 में रामगढ़ की पहाड़ियाँ भी हैं जो घोड़े के नाल की आकृति की हैं, घोड़े के नाल की आकृति की हैं, घोड़े के नाल की आकृति के समान है, कौन सी पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ, ठीक है। बात करते हैं किसकी, तो रामगढ़ की, रामगढ़ कहाँ, जैसलमेर में। यह राज्य की प्रथम, राज्य सरकार के द्वारा प्रथम गैस संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पर, रामगढ़ के अंदर। रामगढ़ कहाँ है, जैसलमेर के अंदर। बात करते हैं उदयपुर में है एक झामर कोटड़ा प्राकृतिक गैस संयंत्र, कहाँ पर, झामर कोटड़ा प्राकृतिक गैस संयंत्र कहाँ पर है, उदयपुर में। सबसे अधिक मोस्ट है हमारे लिए रामगढ़ वाला, कि राजस्थान की प्रथम प्राकृतिक गैस परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी, रामगढ़ के अंदर। आगे आगे बात करते हैं 12 में देखने को मिलती है अंता में, कहाँ पर, अंता में, अंता प्राकृतिक गैस संयंत्र, ये केंद्र सरकार की है। अंता के अंदर जो प्राकृतिक गैस संयंत्र है वो किसका है, केंद्र सरकार का, किसका है, केंद्र सरकार का उपक्रम है, जबकि हमारी राजस्थान सरकार का रामगढ़ जैसलमेर में स्थित है। आगे धौलपुर में हमें देखने को मिलती है कंबाइंड साइकिल गैस विद्युत परियोजना, कंबाइंड साइकिल गैस विद्युत परियोजना धौलपुर में।
अंता के अंदर है, वो केंद्र सरकार की है। यहाँ पर जो झामरकोटड़ा उदयपुर वाला क्षेत्र है, इसमें प्राकृतिक गैस संयंत्र और रामगढ़ में हमारी प्राकृतिक गैस राजस्थान का प्रथम संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ये क्या हो गए, प्राकृतिक गैस। जैसलमेर में रामगढ़ फर्स्ट है राजस्थान का, सेकंड उदयपुर में झामरकोटड़ा, थर्ड अंता में जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, और फोर्थ है धौलपुर कंबाइंड साइकिल गैस विद्युत परियोजना। ये कौन सी हो गई थी हमारी, तो ये हो गई थी प्राकृतिक गैस। अब आते हैं परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा की हमने बात पहले ही कर ली कि ये रावत बाटा के अंदर स्थित है, इसीलिए रावत बाटा को अणु नगरी के नाम से भी जाना जाता है, या परमाणु नगरी भी कहा जाता है। कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़ में। बात किसकी कर रहे हैं हम, परमाणु ऊर्जा की, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर स्थित है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। स्थापना 30 नवंबर 1972 को, कब हुई थी, 30 नवंबर 1972 को, लेकिन प्रारंभ काम किया था इसने 1973 में, कब, एक साल बाद। संचालन कौन करता है इसका, संचालन कौन करता है, तो नाभिकीय ऊर्जा निगम के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, नाभिकीय ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। इसकी क्षमता है 1180 मेगावाट, और दो यूनिट यहाँ पर प्रस्तावित हैं, 700 700 मेगावाट की, 700 700 मेगावाट की दो यूनिट यहाँ पर प्रस्तावित हैं। कितनी, 700 मेगावाट की दो, यानी कि यहाँ पर 1400 मेगावाट, 1400 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की दो यूनिट प्रस्तावित हैं, ठीक है। वर्तमान में क्षमता 1180, संचालन कर किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा निगम के द्वारा। स्थापना 30 नवंबर 1972 को, शुरुआत 1973 को, रावत बाटा चित्तौड़ के अंदर स्थापित है कौन सी, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। एक सेकंड परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है, ठीक है, तो सेकंड परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है कहां पर है, तो वो बांसवाड़ा के अंदर है। कहां है, बांसवाड़ा में संभावना जताई जा रही है कि सेकंड परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतबाटा चित्तौड़ के अंदर स्थित है। वर्तमान क्षमता हमारी 1180 मेगावाट है, 2700 यूनिट की, मेगावाट की जो यूनिट है वो प्रस्तावित है, यानी 1400 मेगावाट विद्युत उत्पादन और किया जाएगा। स्थापना हो गई थी इसकी नवंबर 1972 में, लेकिन कार्य प्रारंभ किया था 1973 से, ठीक है। आगे आगे है हमारी, ये हमारी कौन कौन सी, जलीय ऊर्जा, लिग्नाइट या कोयला आधारित योजनाएं, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा। अब है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनको सोलर प्लेट के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तन कर देना सौर ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा की राजस्थान में सर्वाधिक संभावना है, क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली, 325 दिन से जो है वो आसमान खुला हुआ रहता है। जब आसमान खुला हुआ रहता है तो सीधी किरणें आती हैं, इसकी वजह से चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा हमारा मरुस्थल है पश्चिमी, वो लंबे क्षेत्र पर विस्तृत है, तो आप इन्हें लंबे क्षेत्र पर स्थापित कर सकते हो। थर्ड, यहाँ पर सौर मरुस्थल होने की वजह से जो सौर ऊर्जा है वो भी अधिक, या तापमान अधिक देखने को मिलता है, इस वजह से इसकी संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती हैं। तो सौर ऊर्जा की राजस्थान के अंदर सर्वाधिक संभावना है, सौर ऊर्जा की राजस्थान के अंदर सर्वाधिक संभावना है। आगे जोधपुर जिले में, अगर राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है, लेकिन राजस्थान में भी सर्वाधिक संभावना किस जिले में है, तो जोधपुर में। किस में है, जोधपुर के अंदर सर्वाधिक संभावना है किसकी, सौर ऊर्जा की। आगे जो सौर ऊर्जा से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो भड़ला जोधपुर में। कई बार तो ये पूछ लेता है भड़ला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित है या किस जिले के अंदर स्थापित है, तो जोधपुर। इसको विशेष याद रखना, कई बार पूछा गया है, सबसे अधिक बार पूछा गया है भड़ला सोलर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, जोधपुर में। भड़ला जोधपुर, भड़ला जोधपुर। सेकंड नदिया कला जोधपुर, सेकंड नदिया कला जोधपुर, भड़ला जोधपुर, नदिया कला जोधपुर। धूड़सर और नोक, धूड़सर और नोक दोनों जैसलमेर में है। धूड़सर नोक कहाँ है, जैसलमेर में। और फलोदी से पोखरण तक, फलोदी किस में है, जोधपुर में है, और पोखरण जैसलमेर में। तो इस क्षेत्र में भी क्या है, सौर ऊर्जा की अत्यधिक संभावना है, किसमें, फलोदी पोखरण से। तो हमारे चारों को याद रखना है, बड़ला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, जोधपुर के अंदर, नदिया कला सौर ऊर्जा संयंत्र जोधपुर में, धूड़सर जैसलमेर में,
फलोदी पोखरण जोधपुर जैसलमेर के मध्य स्थित है, नोक जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो ये क्या थे हमारे सौर ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, इसको विशेष याद रखना। वापस बोल देता हूँ, बड़ला जोधपुर, नदिया कला जोधपुर, धूड़सर जैसलमेर, फलौदी पोखरण जोध जैसलमेर में, नोक जैसलमेर के अंदर आता है। आगे बड़ला जोधपुर, ठीक है, एक सेकेंड, बड़ला सोलर पार्क, बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है, तो जोधपुर के अंदर है, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी है, 2245 मेगावाट। इसका चार चरणों में हुआ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि चार चरणों में इसका निर्माण हुआ था बड़ला सोलर पार्क का। कहाँ पर स्थित है, जोधपुर के अंदर स्थित है। इसकी क्षमता कितनी है, 2245 मेगावाट, कितनी है, 2245 मेगावाट की। आगे सोलर सिटी, यानी सोलर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अजमेर जयपुर जोधपुर, अजमेर जयपुर जोधपुर को क्या कहा जाता है, सोलर सिटी, ठीक है, क्या कहा जाता है, सोलर सिटी के रूप में डेवलपमेंट किया जा रहा है। किसका, याद रखना, अजमेर जयपुर जोधपुर, जोधपुर जयपुर अजमेर, जयपुर जयपुर अजमेर, अजमेर जयपुर जोधपुर, ये कौन सी है, सोलर सिटी। आगे सौर ऊर्जा मिशन, कुछ कार्यक्रम है सौर ऊर्जा से संबंधित, इसको याद रख लेना, कभी पूछ लेता कि सौर ऊर्जा मिशन कब चलाया गया था, तो कब चलाया गया था, जनवरी 2010 में। लक्ष्य रखा गया था कब का, 2022 तक कि आप यहाँ पे क्या कर दोगे, तो 1,00,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का। कितने का लक्ष्य रखा गया था, सौर ऊर्जा मिशन जनवरी 2010 में प्रारंभ किया गया था, 2022 के अंदर, यानी कि 2022 तक लक्ष्य रखा गया था 1,00,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का, किसके माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से। बात करें सेज, जो सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से शामिल आते हैं सेज में, तो जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर। पूछ लेता है सेज में कौन कौन से शामिल हैं, तो जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर, जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर राजस्थान, तो हमारा कौन सा, जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर, तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है, सेज का, ठीक है, किसका है, सेज का। वापस बड़ला जोधपुर में है, सोलर सिटी अजमेर जयपुर जोधपुर में है, सौर ऊर्जा मिशन जनवरी 2010 को चलाया गया था, लक्ष्य रखा गया था 2022 तक 1,00,000 मेगावाट का। सेज यहाँ पर जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर के अंदर स्थित है। आगे प्रथम सौर ऊर्जा नीति, पूछ लिया जाता है कई बार कि प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब आई थी, तो 2011 में, सेकेंड आई थी 14 में, 3 साल बाद, और नवीनतम चल रही है हमारे यहाँ पर 18 दिसंबर 2019 की। प्रथम सौर ऊर्जा नीति 2011 में, सेकंड सौर ऊर्जा नीति 2014 के अंदर, और नवीनतम सौर ऊर्जा नीति है 18 दिसंबर 2019 की। कौन सी है, 18 दिसंबर 2019 की। तो प्रथम सौर ऊर्जा नीति 2011, सेकंड 2014, और नवीनतम है हमारी 18 दिसंबर 2019 की। नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कौन सी है, 18 दिसंबर 2019 की। आगे आगे बात करते हैं हम पवन ऊर्जा, किसकी बात करते हैं, पवन ऊर्जा की, ठीक है। तो पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा में पहले तो ये पूछ लिया जाता है राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो राजस्थान का स्थान है पांचवा, पवन ऊर्जा में कौन सा है, पांचवा। पहला किसका है, तो पहला है तमिलनाडु, सेकंड गुजरात, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ कर्नाटका। तमिलनाडु गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका, तमिलनाडु गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका, और पांचवें स्थान पर कौन सा आता है हमारा, राजस्थान। तो राजस्थान का पवन ऊर्जा स्थान कौन सा है, तो पांचवा स्थान है। जैसलमेर में सर्वाधिक है पवन ऊर्जा की संभावना, सर्वाधिक कहाँ है, जैसलमेर में, जैसे सौर ऊर्जा की जोधपुर में थी, उसी प्रकार जो पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है। आगे अब बात करते हैं पवन ऊर्जा के संयंत्र कहाँ कहाँ पर हैं, तो राजस्थान का प्रथम ऊर्जा संयंत्र था अमर सागर, कहाँ पर, जैसलमेर में, और जैसलमेर में सोड़ा बांधन, पोहरा, आकल, हंसुआ, ये सभी जैसलमेर के कौन से हैं, अमरसागर, सोड़ा बांधन, पोहरा, आकल, हंसुआ, हंसुआ, आकल, पोहरा, सोड़ा, अमरसागर, अमरसागर, सोड़ा बांधन, पोहरा, आकल, हंसुआ, ये किसके हैं, तो ये जैसलमेर में स्थापित हैं। जैसलमेर में कौन कौन से हैं, तो अमरसागर, सोड़ा बांधन, पोहरा, आकल, हंसुआ, हंसुआ, आकल, पोड़ा, पोहरा, सोड़ा बांधन और अमरसागर। पूछा जाता है
राजस्थान की प्रथम, राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र तो कौन सा है? अमर सागर। अमर सागर कहाँ है? जैसलमेर में। ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम ऊर्जा संयंत्र, सॉरी पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? अमर सागर जैसलमेर के अंदर। जोधपुर में भी देखने को मिलता है, फलोदी में। सेकंड बनाया गया था देवगढ़। देवगढ़ कहाँ है? प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। देवगढ़ कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। सेकंड, पहला अमर सागर जैसलमेर में, सेकंड देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर स्थापित किया गया पवन ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, थर्ड किया गया था फलोदी जोधपुर में, फोर्थ किया गया था हर्ष पर्वत सीकर में। कहाँ पर? हर्ष पर्वत सीकर के अंदर स्थापित किया गया था। तो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा कौन सी थी? अमर सागर जैसलमेर। सेकंड देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर, थर्ड फलोदी जोधपुर के अंदर, फोर्थ थी हर्ष सीकर के अंदर, हर्ष पर्वत सीकर के अंदर। तो ये कौन सी हो गई हमारी? पवन ऊर्जा। इससे पहले सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में भड़ला, याद रखना है, राजस्थान का प्रथम ऊर्जा संयंत्र है। उसके बाद में नोक में भी सौर ऊर्जा संयंत्र देखने को मिलता है, धूड़सर जैसलमेर में भी देखने को मिलता है, फलोदी पोखरण के अंदर भी हमें सौर ऊर्जा संयंत्र देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं, ये कौन सी हो गई? पवन ऊर्जा। अब कुछ महत्वपूर्ण तत्व जैसे कि निजी क्षेत्र की, जैसे कि निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा संयंत्र मैसर्स कलाने इंडस्ट्रीज के द्वारा, निजी क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो वो स्थापित किया गया है मैसर्स कलानी इंडस्ट्रीज के द्वारा, बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर। बड़ा बाग जैसलमेर, पहले तो ये याद रखना बड़ा बाग कहाँ है? जैसलमेर में। यहाँ पर प्रथम निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है मैसर्स कलानी इंडस्ट्रीज के द्वारा। मैसर्स कलानी इंडस्ट्रीज ने बड़ा बाग जैसलमेर में प्रथम निजी संयंत्र, निजी पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। आगे आगे बात करते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा पवन पार्क कौन सा है? तो जैसलमेर के अंदर है राजस्थान का सबसे बड़ा पवन पार्क, जैसलमेर में। आगे, पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति, पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब आई थी? तो ये आई थी 2019 में, 18 दिसंबर 2019 से लागू हो जाती है। पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब आई थी? 2019 में, और लागू कब से होती है? 18 दिसंबर 2019 से प्रारंभ हो जाती है। प्रथम निजी क्षेत्र का मैसर्स कलानी इंडस्ट्रीज के द्वारा बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। आगे, सबसे बड़ा पवन पार्क कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। इसके बाद में प्रथम हाइब्रिड ऊर्जा नीति कहाँ है, कब आई थी? 2019 में, 18 दिसंबर 2019 को। आगे चलते हैं हम, बायोमास। ठीक है, तो अभी तक हमने पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा का अध्ययन कर लिया। अब बचती है हमारी बायोमास ऊर्जा। ठीक है, बायोमास ऊर्जा, तो बायोमास ऊर्जा उत्पन्न किससे की जाती है? किससे की जाती है उत्पन्न? तो ये जो जैसे हमारे चावल की भूसी है, सरसों का तेल है, ठीक है, सरसों का तेल है और बिलायती बबूल है, इनके ये स्रोत हैं किसको बायोमास ऊर्जा उत्पन्न करने के? कौन से? बिलायती बबूल, चावल की भूसी या सरसों का तेल, उनसे क्या उत्पन्न की जाती है? बायोमास ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। प्रथम है हमारी गंगानगर में पदमपुरा, प्रथम बायोमास विद्युत परियोजना पदमपुरा श्री गंगानगर के अंदर स्थापित है। सांगरिया हनुमानगढ़ के अंदर स्थापित है। कौन सी? बायोमास। हमारी जोधपुर में देखने को मिलती है कछेला बागसरी, सांचौर जालौर में, सॉरी सांचौर जालौर में कौन सी देखने को मिलती है? कछेला बागसरी। कछेला बागसरी कहाँ है? सांचौर जालौर में, पदमपुरा श्रीगंगानगर में और सांगरिया हनुमानगढ़ में। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर टोंक में देखने को मिलती है खातौली। खातौली कहाँ पर स्थित है? उनियारा टोंक में। कहाँ? उनियारा टोंक के अंदर। आगे, कोटा में देखने को मिलती है रंगपुर बायोमास परियोजना। रंगपुर कहाँ है? कोटा के अंदर। ठीक है, चंदौरिया चित्तौड़ में, चंदौरिया चित्तौड़ में, सांगरिया हनुमानगढ़ में, पदमपुरा श्रीगंगानगर में, चंदौरिया चित्तौड़ के अंतर्गत, खातौली उनियारा टोंक के अंतर्गत, और रंगपुर कोटा में, और कछला बागसरी सांचौर जालौर के अंदर देखने को मिलती है। आगे, सर्वाधिक संभावना अगर बायोमास की कहीं है तो वो कहाँ पर है? श्रीगंगानगर में सर्वाधिक संभावना है।
बायोमास की सर्वाधिक संभावना कहाँ है? तो श्रीगंगानगर के अंदर देखने को मिलती है। इसकी हमने पूछ लिया था, चावल की भूसी, बिलायती बबूल, सरसों का तेल इसके प्रमुख स्रोत हैं। किसके? बायोमास के। वापिस पदमपुरा जो राजस्थान की प्रथम बायोमास परियोजना है श्रीगंगानगर में, सांगरिया हनुमानगढ़ के अंदर, रंगपुर कोटा के अंदर, कचेला बागसरी सांचा और जालौर के अंदर। इधर देखा था हमने क्या कि जो हमारी चंदौरिया है चित्तौड़गढ़ में, और खातौली उनियारा टोंक में बायोमास परियोजना थी। आगे बायोगैस, यानी जो गाय के गोबर से जो गैस बनाई जाती है उसे बायोगैस का नाम दिया जाता है। इसमें कार्बन, मीथेन इनका सम्मिश्रण रहता है। ठीक है, तो इसकी सर्वाधिक संभावना उदयपुर में, सर्वाधिक संभावना कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। गाय के गोबर से जो गैस बनाई जाती है उसे बायोगैस के नाम से जाना जाता है। आगे बायोडीजल, बायोडीजल जेट्रोपा पर आधारित होती है। जेट्रोपा या जो अरंडी का तेल है उस पर भी ये चलती है, जैतून का तेल। ठीक है, तो बायोडीजल किस पर? जेट्रोपा पर। ये इसके दो कारखाने हैं हमारे राजस्थान के अंदर बायोडीजल का। पहला कालरावास उदयपुर में, दूसरा भी उदयपुर के अंदर है लेकिन झामर कोठड़ा में। कहाँ पर है? झामर कोठड़ा में। तो झामर कोठड़ा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। वापिस बायोगैस, गोबर गाय के गोबर के माध्यम से जो गैस निर्मित की जाती है बायोगैस के नाम से जानी जाती है। सर्वाधिक संभावना उदयपुर में। बायोडीजल जेट्रोपा पर आधारित होता है, खालरावास उदयपुर और झामर कोटरा उदयपुर। इसके दो प्रमुख संयंत्र स्थापित हैं। पूछ ले बायोडीजल संयंत्र कहाँ पर है? खालरावास उदयपुर और हमारा झामर कोटरा उदयपुर। आगे कुछ नीतियाँ हैं। क्या है? राजस्थान से संबंधित नीतियाँ जिनसे ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे रेडा, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी RSPCL, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना रेडा की गई थी 1985 में। किसकी स्थापना? रेडा की। रेडा की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। RPSL की, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1993 में। कब की गई थी? 1995 के अंदर। कब की गई थी? 95 में। 85 में किसकी हुई थी? तो रेडा की। ठीक है, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? 9 अगस्त 2002 को। 9 अगस्त 2002 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थापना कब हुई थी? तो 9 अगस्त 2002 को। इसका उद्देश्य था कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को क्या करना है? संरक्षण करना है। किसका? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का। आगे राजस्थान ऊर्जा निगम की स्थापना 9 अगस्त 2002 को की गई। उद्देश्य था गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण करना है। इसको दो मर्ज की गई थी, कंपनी कौन सी? रेडा और RPCL, यानी राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी प्लस राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन दोनों को मिलाकर के क्या बना दिया? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया? रेडा की 1985, इसकी 1995 में। ठीक है, 10 साल बाद रेडा के, 10 साल बाद कौन सी आई? RPCL। इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। वापस अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना 9 अगस्त 2002 को की गई थी। गैर परंपरागत ऊर्जागत स्रोतों का संरक्षण करना है। रेडा प्लस RPCL दोनों का संयुक्त उपक्रम है। कौन सा? दोनों को मर्ज करके बनाया गया है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को। रेडा की स्थापना 1985 में और RPCL की 1995 में की गई थी। आगे राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये तीन जगह से प्रसारण है, यानी कि ये तीन जगह है। किसके? इसके विद्युत वितरण निगम कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अजमेर। इसके कितने निगम हैं? तीन। कितने हैं? तीन। राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम कितने हैं? तीन। कौन कौन से? एक जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। अजमेर जयपुर जोधपुर। एक है राजस्थान राज्य
राज्य विद्युत उत्पादन उत्पादन निगम। तो विद्युत उत्पादन निगम कौन सा है? जयपुर। कौन सा है? विद्युत उत्पादन निगम। और वहीं अगर ये पूछ लेता राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत प्रसारण निगम, तो कहाँ है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। तो विद्युत उत्पादन और प्रसारण जयपुर में। वितरण निगम लिमिटेड तीन है, कितने? जयपुर, जोधपुर, अजमेर। जयपुर, जोधपुर, अजमेर। राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कितने हैं? तीन, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। अगर बात करें विद्युत उत्पादन की तो जयपुर में, विद्युत प्रसारण की भी बात करें तो जयपुर के अंदर। तो याद रखना विद्युत विद्युत उत्पादन और प्रसारण जयपुर में, ठीक है। और बात करें विद्युत वितरण निगम की तो ये तीन है, कहाँ पर? जयपुर, जोधपुर, अजमेर के अंदर। आगे आगे है अक्सर कुछ दिवस जो महत्वपूर्ण दिवस हैं। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 20 अगस्त को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है, सॉरी 14 दिसंबर को। 14 सितंबर को तो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण योजना जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तब हमें सिर्फ यह याद नहीं होता कि यह किससे संबंधित है या कौन सी योजना है, ठीक है। तो याद रखना कौन सी? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है? विद्युत से। कब आई थी? नवंबर 2014 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना नवंबर 2014 में आई, किससे संबंधित है? विद्युत से। किससे संबंधित है? विद्युत से। एक है उज्ज्वल डिस्कॉम योजना उदय, उज्ज्वल डिस्कॉम योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम योजना कौन सी है? तो वो कौन सी है? उज्ज्वल डिस्कॉम योजना यानी कि उदय। ये आई थी 5 दिसंबर 2015 को, 5 दिसंबर 2015 को। इसका उद्देश्य क्या था? बिजली सबके लिए योजना। इसका उद्देश्य था बिजली सबके लिए योजना, सॉरी बिजली सबके लिए योजना, ये भी विद्युत परियोजना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं किससे संबंधित, किससे संबंधित है? तो ये है हमारी विद्युत से। कौन सी? उज्ज्वल डिस्कॉम योजना 5 दिसंबर 2015 को, दीनदयाल उपाध्याय योजना नवंबर 2014 में। एक थी बिजली सबके लिए योजना, ये आई थी 19 जून 2016 को। एक है सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को। एक है कुसुम योजना 18-19 के सत्र में इसको प्रारंभ किया गया था। एक है सीएम ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी। वापस कौन कौन सी योजना है? पहले तो अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है और कब प्रारंभ की गई? विद्युत से संबंधित है 2014 में। उज्ज्वल डिस्कॉम योजना 5 दिसंबर 2015। बिजली सबके लिए योजना 19 जून 2016 को। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को। कुसुम योजना 18-19 के सत्र में प्रारंभ की गई। सीएम ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना 2016 में प्रारंभ की गई। आगे तो ये तो थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, कुछ ऊर्जा। हमने राजस्थान की स्वतंत्रता से लेकर के वर्तमान तक की बात की, कितनी ऊर्जा उत्पादन की जाती है, कितनी क्षमता है, कौन से संयंत्र हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमने पूरी बात कर ली किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में। वापस रिकॉल कर लेते हैं हमें ऊर्जा, ऊर्जा स्वतंतत्रता के समय कितनी क्षमता थी? 13.2 मेगावाट। वर्तमान में कितनी है? 321.40 मेगावाट वर्तमान में विद्युत क्षमता की उत्पादन क्षमता है, ठीक है। औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और राजस्थान में तापीय ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान है, यानी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक योगदान किसका है? तापीय ऊर्जा का। आगे हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया था किस पे? उत्पादन के आधार पर, परंपरागत, अपरंपरागत, जिनका प्रयोग परंपरा से यानी प्राचीन काल से किया जा रहा है परंपरागत, जिनका प्रयोग अभी किया जा रहा है यानी कि नवीन तरीके से या नवीन आधुनिकता से किया जा रहा है, वो गैर परंपरागत। परंपरागत में कौन से थे? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, हाइड्रोजन। गैर परंपरागत में परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और ज्वारीय गैस। कौन से थे? अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत।
आगे बात करें संभावना के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अनवीकरणीय में कौन से थे? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा। ये एक बार खत्म हो गए तो वापस बनाना मुश्किल है, लेकिन ये एक बार खत्म हो गए वापस प्रयोग कर सकते हैं। कौन से को? हाइड्रो, सौर, पवन, बायो, बायोमास, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा। तो ये नवीकरणीय, अनवीकरणीय और नवीकरणीय, ये परंपरागत और गैर परंपरागत। आगे पढ़ा था हमने स्टेशनों के प्रकार। सुपर थर्मल जिसकी 1000 मेगावाट है, कौन कौन से? सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर, कोटा सुपर थर्मल पावर, कवाई सुपर थर्मल पावर, कहाँ? 12 में। सुपर क्रिटिकल जिनकी 500 मेगावाट क्षमता होती है, कहाँ पर है? छबड़ा सुपर थर्मल पावर, सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन। UMPP अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जिनकी 4000 मेगावाट क्षमता होती है। आगे जलीय ऊर्जा राजस्थान की थी, जाखम प्रतापगढ़ में, अनास बांसवाड़ा में, इंदिरा गांधी परियोजना। राज्य राज्य की परियोजना थी ब्यास, चंबल, माही, भांगड़ा, नागल। इसको याद रखना, माही गुजरात राजस्थान के, दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों के लिए संपूर्ण बिजली उत्पन्न की जाती है, वो बिल्कुल निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाई जाती है। आगे बात की थी कोयला या लिग्नाइट पर आधारित, सूरतगढ़ गंगानगर में है, श्रीगंगानगर में, बरसिंहसर बीकानेर में, गिरल बादेसर कपूरड़ी जालीपत, तीनों बाड़मेर के अंदर स्थित हैं। कवाई छबड़ा दोनों 12 के अंदर हैं। कोटा सुपर थर्मल कोटा के अंदर है। कालीसिंध झालावाड़ में है और दानपुर बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। इसके बाद की थी सूरतगढ़ राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है, लेकिन कोयला पर आधारित कोटा का पहला कोटा है सुपर थर्मल पावर प्लांट है। किसका? कोयला पर आधारित। और राज्य का सेकंड सुपर थर्मल पावर प्लांट है पहला सूरतगढ़ श्रीगंगानगर का। आगे बात की थी प्राकृतिक गैस राजस्थान की प्रथम प्राकृतिक गैस परियोजना कहाँ की गई? जैसलमेर के अंदर रामगढ़ में स्थापित की गई थी। एक उदयपुर झामर कोटला के अंदर देखने को मिलती है। कंबाइंड साइकिल गैस विद्युत परियोजना धौलपुर के अंदर देखने को मिलती है और 12 में अंता गैस परियोजना देखने को मिलती है। अंता किसकी है? केंद्र सरकार की। परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखे थे, रावतवाटा चित्तौड़ के अंदर स्थापित है। 30 नवंबर 1972 को स्थापना 73 में शुरुआत की गई थी। संचालन आपके ऊर्जा निगम के द्वारा किया गया था। 2 यूनिट प्रस्तावित है 700 मेगावाट की। सेकंड परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांसवाड़ा के अंदर प्रस्तावित है। सौर ऊर्जा राजस्थान में सर्वाधिक क्षमताएं हैं और राजस्थान में भी सर्वाधिक जोधपुर में है। हमारे यहाँ पर 4 ऊर्जा संयंत्र देखने को मिलते हैं। सौर ऊर्जा संयंत्र बड़ला जोधपुर में, बैतपूर्ण है, नदिया कला जोधपुर में, धूड़सर जैसलमेर में, फलोदी पोखरण जोधपुर जैसलमेर में, नोक जैसलमेर के अंदर स्थापित है। आगे हमारा बड़ला सोलर पार्क जोधपुर में 2245 मेगावाट की क्षमता है। 4 चरणों में इसका निर्माण हुआ। सोलर सिटी में अजमेर, जयपुर, जोधपुर आते हैं। सेज के अंदर आते हैं जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। सौर ऊर्जा मिशन जनवरी 2010 में लक्ष्य रखा गया था 100,000 मेगावाट की क्षमता 2022 तक प्राप्त कर लेना। आगे पढ़ा था प्रथम सौर ऊर्जा नीति आई थी 2011 में, सेकंड सौर ऊर्जा नीति आई 2014 में, नवीनतम सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 की। उसके बाद में पवन ऊर्जा राजस्थान का 5वां स्थान है। पहले स्थान पर तमिलनाडु, सेकंड पर गुजरात, थर्ड पर महाराष्ट्र, फोर्थ पर कर्नाटक। राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर के अंदर स्थापित किया गया था। जैसलमेर में और भी देखने को मिलते हैं, सोड़ा वादन, पोहरा, आकल और अंसुआ, ठीक है। देवगढ़ प्रतापगढ़ में सेकंड पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, देवगढ़ प्रतापगढ़ में। जोधपुर में फलोदी में थर्ड किया गया था। हर्ष पर्वत सीकर में भी क्या देखने को मिलते हैं? पवन ऊर्जा संयंत्र, पहला अमर सागर। आगे देखा था निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा संयंत्र, मैसर्स कलानी इंडस्ट्रीज के द्वारा बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर स्थापित की गई है। राजस्थान का सबसे बड़ा पवन पार्क जैसलमेर में है। पवन हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 में 18 दिसंबर 2019 से लागू। आगे बायोमास ऊर्जा जिसकी चावल की भूसी, विलायती बबूल, सरसों की जो मुख्य स्रोत है, सरसों के तेल से ये उत्पन्न की जाती है। इसका पदमपुरा में पहला था बायोमास का, सांगरिया, हनुमानगढ़, कचिला, बागसरी, सांचौर, जालौर के अंदर है, चंदौरिया चित्तौड़गढ़ में है, रंगपुर कोटा के अंदर है, खारदौली उनियारा टोंक में है, ठीक है। सर्वाधिक संभावनाएं श्रीगंगानगर के अंदर देखने को मिलती हैं। आगे बात की थी बायोगैस की, तो बायोगैस की सर्वाधिक संभावना उदयपुर में है। गाय के गोबर से गैस बनाई जाती है, उसे बायोगैस के नाम से जाना जाता है। बायोडीजल जेट्रोफा पर आधारित है बायोडीजल, ये कालावास उदयपुर में स्थापना की गई और एक झामरा कोटला उदयपुर में, किसकी? बायोडीजल की।
आगे बात की थी राजस्थान ऊर्जा निगम रेडा और आरपीसीएल को बना करके इसका निर्माण किया गया। रेडा 1985 में और आरपीसीएल 1995 में। रेडा राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, आरपीसीएल राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई 9 अगस्त 2002 को। इसका उद्देश्य था गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण करना, ठीक है। आगे था राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, तीन है, अजमेर जयपुर जोधपुर, ठीक है, सॉरी हाँ सही है, जयपुर जोधपुर अजमेर, अजमेर जयपुर जोधपुर, इसमें तीन विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हैं। राजस्थान राज्य उत्पादन निगम कहाँ पर है, जयपुर में, और प्रसारण जयपुर में, याद रखना जयपुर में प्रसारण उत्पादन और निगम वितरण निगम लिमिटेड है, और जोधपुर अजमेर में भी क्या है, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना नवंबर 2014 की है, विद्युत से संबंधित है। ये सभी जो योजना लिखी गई हैं वो विद्युत से संबंधित हैं। उज्ज्वल डिस्कॉम योजना उदय 5 दिसंबर 2015, बिजली सबके लिए योजना 19 जून 2016 को, सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को, कुसुम योजना 18-19 में, ठीक है, 2018 और 19 में, सीएम ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी, उसके बाद में कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमने आज राजस्थान के कौन कौन से स्रोत हैं, राजस्थान में कौन सी हमें ऊर्जा उत्पन्न देखने को मिलती है, राजस्थान के अंदर कौन से संयंत्र कहाँ पर देखने को मिलते हैं, आज उन सब के बारे में हमने अच्छे अच्छे अध्ययन कर लिया। उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ में साझा करें और उनको भी अपनी तैयारी के आयाम करने में 4 चांद लगाने का अवसर प्रदान करें। अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और आगे भी आप कैसी क्लासें चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट में ज़रूर सुझाव दें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल एक किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपनी श्रद्धाएँ में व्यस्त रहिए, क्योंकि सफलता के लिए हमें रोज़ एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सफलता एक दिन में मिल जाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।